दोस्तों, सांपों का नाम सुनते ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांपों की कई प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती है और हम भारतीयों ने एक सांप के बारे में तो जरूर सुना होगा, और वो सांप है कोबरा। वैसे आज मैं आपको कोबरा स्नेक के बारे में नहीं, बल्कि उसी के जैसा लगने वाला एक सांप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके काटने के कुछ समय बाद इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो इस सांप के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, कोबरा की तरह दिखने वाले इस सांप का नाम है टाइगर स्नेक। एक नज़र देखने पर कोबरा और टाइगर स्नेक में अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे पहचानने का एक आसान तरीका है। यदि इन दोनों सांप में कोई ऊपर की ओर उठता है, तब समझ लेना चाहिए कि वो सांप कोबरा है, और यदि कोई सांप ऊपर की तरफ नहीं उठता है, तब वह टाइगर स्नेक है। इसके पीछे का कारण यह है कि टाइगर स्नेक की पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है, जिस वजह से यह ऊपर नहीं उठ पाता है। इस सांप को टाइगर स्नेक यूं ही नहीं बोला जाता है, इसके शरीर पर जो धारियां बनी होती है वो बिल्कुल टाइगर की तरह होती है, बस इसी कारण इस सांप को टाइगर स्नेक बोला जाता है। यह सांप मुख्य तौर पर अमेरिका में पाया जाता है, और साथ ही साथ टॉप 10 जहरीले सांपों की सूची में इसका नाम शुमार है। इस सांप के काटने से महज 30 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु निश्चित है, अगर समय रहते उसे दवा न दी जाए। यह सांप अपने से बड़े सांप और शिकारियों को डराने के लिए अपने शरीर को फुला लेता है, जिससे ये शिकारियों को डरा सके और शिकारी इस पर हमला करने से पहले हजार बार सोचे। टाइगर स्नेक पैर या फिर गर्दन पर काटता है, जिसके काटते ही मौत तो लगभग तय ही हो जाती है, और हमले की स्थिति में ये उड़कर भी बचाव कर सकता है। अगर इस सांप की भोजन की बात की जाए तो इसका मुख्य भोजन मेंढक है। इसके अलावा ये छोटे छोटे जीवों को भी अपना आहार बना लेता है। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो अंडे देते हैं, तो वही कुछ सांप ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं। टाइगर स्नेक भी उन्हीं सांपों की सूची में आता है जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं। इनके बच्चे एक थैली में पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में 17% मौत टाइगर स्नेक के काटने से होती है। तो अब आपको ये बात तो पता चल ही गया होगा कि ये सांप कितना खतरनाक है। वैसे दोस्तों, ऐसे कई खतरनाक सांपों के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।